वेलकम बैक यूएमबी न्यूज। चलिए जानते हैं अगले दो दिन कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। कहां कहां तेज बारिश तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। आपको बता दें यूपी में अगले दो दिन बारिश के आसार, कई राज्यों में तूफान मचा सकता है तबाही। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के बाद अगले एक हफ्ते सुबह 400 से 1000 मीटर तक कोहरा छाया रह सकता है। इससे ठंड के साथ ही गलन बढ़ने की संभावना है। दिसंबर आते ही उत्तर प्रदेश में मौसम कई बार पलटी मार रहा है। दो दिन बाद बादल छाए रहने के बाद शुक्रवार को मौसम खुला, लेकिन मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को फिर से बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी मौसम खुला रहेगा, लेकिन 4 दिसंबर से मौसम फिर बदल सकता है। खासकर पश्चिमी यूपी में इसका असर देखने को मिलेगा। तूफान जबाद के बारे में मौसम विशेषक बता रहे हैं कि यह सामान्य तूफान की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक स्थान के बाद मुड़ रहा है। एक बात और रही कि तूफान की अन्य की भांति बढ़ने पर कमजोर नहीं पड़ रहा है। इस वजह से देश के पूर्वी तटों और तटवर्ती इलाकों में 48 घंटे तक इसका व्यापक और असर देखने को मिलेगा। विशेषकर उत्तरी आंध्र प्रदेश से सटे उड़ीसा के क्षेत्र, गंगी पश्चिम बंगाल का पूरा क्षेत्र प्रभावित रहेगा। अगर 4 दिसंबर के पूर्व अनुमान की बात करें तो अगले 24 घंटों समूचे उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों के माध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान मुख्यतः जिन हिस्सों से टकराएगा उनमें आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, पारादीप, मध्य भाग और आगे बढ़ते हुए उड़ीसा के कुछ हिस्सों में प्रभावित करेगा, जिनमें पुरी, बालासोर, भद्रक आदि तमाम जिलों को में भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि भारतीय तटों से टकराने के बाद इसकी गंभीरता और बढ़ जाएगी। साथ ही बिजली चमकने, बादलों को गर्जन और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होगी। आगे आपको बताते चलें। मौसम विभाग के अनुसार 4 दिसंबर की सुबह से ही पश्चिमी बंगाल और झारखंड के आसमान में बादलों का प्रभाव बढ़ जाएगा। आने वाले समय में इन भागों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, पूर्वोत्तर भारत कुछ हिस्सों में भी इस तूफान की व्यापक असर देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है कि मध्य और दक्षिण और पूर्वी भारत में जबाद तूफान का असर देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटों में आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना में बादल, हवाओं और वर्षा देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर में निचले राज्य मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा इस तूफान से प्रभावित होंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और बिहार के कुछ इलाकों में शनिवार को मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, जबकि झारखंड में ऐसी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में बादल देखे जा रहे हैं, यहाँ बारिश का पूर्व अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का समूचा हिस्सा 4 दिसंबर को शुष्क रहेगा। गुजरात में भी मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। इन जगहों के लिए रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के श्रीकुल्लम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उड़ीसा के गजापट्टी, गंजमपुरी और जगत सिंहपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात कारण पश्चिमी बंगाल में शनिवार, रविवार को असम, मेघालय व त्रिपुरा में रविवार, सोमवार को कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में रविवार तक मच्छरों को न जाने की सलाह दी है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मौसम की हर एक ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए यूएमबी न्यूज़। धन्यवाद।